Okay, Mohammed Umar, we'll start the class 9:05 when other students have joined in as well. वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम सर। साथ तो मैं मिल गई, बुक मिल गई थी और नोट्स मैंने दे दिए सर इमरान को, तो मोस्ट प्रोबली दिस वीक यू विल हैव माय नोट्स एज वेल। ओके सर। राइट, लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? तो मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाया, आई एम सॉरी। हां, शिफ्ट्स एंड पीपीसी। हसन बोलो। Shift in PPC. Shift in PPC. Okay, perfect. Perfect. We'll wait for another 2 minutes before we start. ताकि दूसरे बच्चे भी join in हो जाए.
ओके सो लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे थे शिफ्ट इन अ पीपीसी की, सही है? तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं आए थे वो भी इस चीज को देख सकें। एक तरफ हमने लिखा कंज्यूमर गुड्स, एक तरफ हमने लिखा कैपिटल गुड्स, और हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया ए ए के नाम से। अब देखें, क्योंकि ये 2D इमेज है, सही है ना, तो दो ही तरफ पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। या तो ये शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स बी, दिस मींस के आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैज इंक्रीज, दिस मींस कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहले आप जितना बनाते थे अब आप उससे ज्यादा बनाते हैं। और फिर दूसरा है सीसी। सीसी का मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई है। अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई है मतलब यू प्रोड्यूसिंग लेस। शिफ्ट का रीजन है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। अगर क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स अफेक्ट होगी तो पीपीसी शिफ्ट होगा, सही है? तो इस पे आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं मूवमेंट इन अ पीपीसी और शिफ्ट इन अ पीपीसी को डिफरेंशिएट कर सकूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो दैट। ओके, मुझे कौन बता सकता है कि मूवमेंट किस वजह से आती है, पीपीसी में मूवमेंट किस वजह से आती है? सही सर, जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेहतर हो जाते हैं, जैसे मैंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी और स्कूल लीविंग एज कम कर ली, तो मेरी क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स जो लेबर है वो बढ़ गया। तुम बता रहे हो मुझे शिफ्ट, मैं तुमसे पूछ रहा हूं मूवमेंट। ऐसा क्या होगा कि मैं पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पे मूव कर जाऊंगा, दिस इज अ मूवमेंट। मैं अपनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करूं, रीअलोकेट करूं अपनी रिसोर्सेज दूसरे जबरदस्त, सही है, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जबरदस्त। सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर अगर तो रिसोर्सेस उतने ही हैं और उनको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे काम में तो मूवमेंट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस उतने ही है, ना तो क्वालिटी चेंज हुई है ना क्वांटिटी, उतने ही है लेकिन दे आर बीइंग डाइवर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, वेल्स कॉलेज के पास दो से तीन तीन इकोनॉमिक्स के टीचर है फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आस्किंग देयर इकोनॉमिक्स टीचर टू टीच बिजनेस स्टडीज। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली दे आर रीएलोकेटिंग देयर रिसोर्सेस। सो पीपीसी वुड मूव। ऑन द अदर हैंड, अगर वेल्स कॉलेज बोले अपने इकोनॉमिक्स के टीचर को कि आप जाएं ट्रेनिंग में, जाएं टीचर्स की ट्रेनिंग में जाएं, तो क्या होगा? तो बहाज हुसैन या वेल्स का पीपीसी वुड शिफ्ट आउटवर्ड्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन लिखे, बल्कि मैं आपके साथ ही लिख लेता हूं। अ कंट्री has faced a natural disaster at the same time there technology has improved. A country has faced a natural disaster and at the same time their technology has improved.
discuss where word the countries PPC word be. Discuss where would the country's PPC would be. Okay, so this is a 13 mark question. सही है, इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. When you're done copying the question, please let me know. Done. मैंने कॉपी कर लिया. Okay. तो ये हमारा पहला PPC हो गया. ये हमारा दूसरा PPC हो गया. तो हम बात कर लेते हैं. देखें, जब भी एक इकोनॉमी की बात हो रही होगी, एक कंट्री की बात हो रही होगी, तो कंट्री में क्या क्या प्रोड्यूस होता है. कंट्री में प्रोड्यूस होता है कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. आप कहीं पे भी लेबल कर सकते हैं. सही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लेबल कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. सही है, और ये मेरा पीपीसी हो गया. दूसरी बात, वेन एवर इट्स अ 13 मार्क क्वेश्चन, यू नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन. सही है, तो आपने सिर्फ पीपीसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है. एट मैक्स दिस इज द मोस्ट यू नीड टू डू. वैसे आपको 13 मार्क्स है, तो यू जस्ट नीड टू आंसर द क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू गिव अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन. तो यू वुड स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, द फर्स्ट थिंग. अब मुझे बताएं कि अगर हमारे मुल्क में नेचुरल डिजास्टर आएगा तो पीपीसी को क्या होगा. सर, जो एग्रीकल्चर वाला है, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, वो बैकवर्ड होगा, और जो टेक्नोलॉजी वाला है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स तो हम ज़्यादा बना रहे हैं, उसका उससे ताल्लुक थोड़ी है, तो वो आगे जाएगा. ओके, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिप्लीट हो रहा है एक नेचुरल डिजास्टर में, तो वो भी नीचे जा रहा है. तो अगर मेरे पास एक क्वालिटी चले गए, नेचुरल डिजास्टर जब आएगा तो वो हर चीज की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा. क्वालिटी को करे ना करे, क्वांटिटी को जरूर करेगा. नेचुरल डिजास्टर आएगा तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है तबाह हो जाएंगी. गाय, बकरे, जमीन, दरा, एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड. ह्यूमंस वुड बी डिस्ट्रॉयड. ह्यूमंस वुड बी किल्ड. ह्यूमंस वुड बी किल्ड मतलब लेबर भी मर गया, ओनर भी मर गया. ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर आएगा, पूछेगा बेटा तुम ओनर हो लेबर हो, बोलेगा लेबर, मार दिया, बोला तुम ओनर हो, अच्छा चलो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता. सही है ना, बोथ विल बी किल्ड इन द नेचुरल डिजास्टर. सो जिसकी वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी, कैपिटल मशीन्स वो भी कम हो जाएंगे. सो पता ये चला कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से पीपीसी वुड शिफ्ट इनवर्ड्स. मेक सेंस. दूसरा, जब आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी. क्वालिटी ऑफ लैंड इंप्रूव हो जाएगी, लेबर इंप्रूव हो जाएगा, कैपिटल इंप्रूव हो जाएगा. सो दिस वुड शिफ्ट द पीपीसी आउटवर्ड्स. इट्स अ पैरेलल शिफ्ट आउटवर्ड. अब इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब मैं नेचुरल डिजास्टर की बात करूंगा, मैं बोलूंगा इट वुड शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी बी, देन आई वुड हैव टू एक्सप्लेन व्हाई. एंड मेरे व्हाई में जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस को अफेक्ट किया है. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस कम हो गए. फिर मैं किसी भी दो को बता दूंगा कि लैंड डिस्ट्रॉय हो गया होगा और ह्यूमंस मर गए होंगे. तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा. और मैं टेक्नोलॉजी की जब बात करूंगा तो मैं बोलूंगा द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड. और जब मैं क्वालिटी की बात करूंगा तो फिर मैं बात करूंगा कि भाई हो सकता है क्वालिटी ऑफ लैंड हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी,
लेबर इज नाउ मोर प्रोडक्टिव बिकॉज ही इज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी. तो इस तरीके से मैं अपना आंसर को बिल्डअप करूंगा. डज दिस मेक सेंस? यस सर. ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात. एक मिनट. सॉरी, अब देखें इस आंसर में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द आंसर शुड बी अ टू साइडेड आंसर. सही है. अब टू साइडेड आंसर से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर हमारा भाई क्या हो गया, अगर हमारा पीपीसी कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स ये रहा, तो दोनों अफेक्ट जब कंबाइन करेंगे तो वुड द पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड्स और वुड इट शिफ्ट इनवर्ड्स. द क्वेश्चन इज, द एक्चुअल क्वेश्चन इज, अगर दोनों चीजें साथ में होती हैं तो ओवरऑल आपकी जो कंट्री का पीपीसी है वो क्या बाहर होगा या अंदर होगा? दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन व्हिच आई एम अबाउट टू आस्क. मेरे पास एक ग्लास है, उसमें कुछ वाटर है. मैंने पहले क्या किया, आई ड्रैंक सम वाटर, फिर मैंने क्या किया, आई रीफिल्ड द ग्लास. तो द क्वेश्चन इज, क्या लेवल ऑफ वॉटर इज अबव वॉट इट रियली वॉज एट द स्टार्ट, इज इट बिलो और इज इट इक्वल टू वॉट इट वॉज इन द स्टार्ट? तो इसका जवाब क्या होगा? इक्वल. यू कैन नॉट से दैट. डू यू नो हाउ मच आई ड्राइव? डू यू नो हाउ मच आई रीफिल्ड? सो यू डोंट नो कि वो कम कितना हुआ और वो फिर रीफिल कितना हुआ. यू डोंट नो दैट. बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर. सही है ना. सिमिलरली अगर यहां पे दो एस्पेक्ट्स हैं कि एक शिफ्ट इनवर्ड्स हो रहा है और एक शिफ्ट आउटवर्ड्स हो रहा है, सो अगर शिफ्ट इनवर्ड्स का मैग्नीट्यूड इज स्ट्रॉन्गर, द ओवरऑल पीपीसी वुड शिफ्ट इनवर्ड्स. डज दिस मेक सेंस? Yes. नंबर टू, और बार रिपीट कर ले अपना स्टेटमेंट. मैं अब आपसे रिपीट कर देता हूँ. देखिए, पीपीसी अंदर की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है. अब यही ग्लास ऑफ वाटर, ये पहले ग्लास ऑफ वाटर पे बात कर ले, इसको समझ ले, द पीपीसी वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. देखिए, ग्लास ऑफ वाटर कम हो रहा है क्योंकि मैं पी रहा हूँ और फिर मैं रीफिल कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है. अगर मैं पी ज्यादा रहा हूं तो ग्लास ऑफ वाटर कम हो जाए, अगर मैं रीफिल ज्यादा कर रहा हूं ग्लास ऑफ वाटर बढ़ जाएगा. सिमिलरली पीपीसी में दो चीजें हो रही है, एक शिफ्ट इनवर्ड्स, एक शिफ्ट आउटवर्ड्स. अगर शिफ्ट इनवर्ड्स का मैग्नीट्यूड इज स्ट्रॉन्गर, अगर शिफ्ट इनवर्ड्स बहुत ज्यादा शिफ्ट इनवर्ड्स हुआ है तो ओवरऑल पीपीसी वुड शिफ्ट इनवर्ड्स. अगर शिफ्ट आउटवर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंटली आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है so the PPC would shift out, the overall outcome would be that the PPC country ka outward shift ho gaya. Aur agar dono ka magnitude equal hai to hum bolenge the PPC would stay in its current position. Does this make sense now? Yes sir. So after these two graphs you're going to tell the examiner where the PPC would be. तो आप पहला एस्पेक्ट बताएंगे, इफ इनवर्ड्स शिफ्ट इज स्ट्रॉन्गर, ओवरऑल पीपीसी वुड बी
इनवर्ड्स सही है, वो आउटवर्ड्स तो होगा लेकिन वो बहुत माइनर आउटवर्ड्स होगा और बहुत मेजर इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स मेजर होगा, ओवरऑल इफेक्ट इनवर्ड होगा। फिर आप बताएंगे इफ आउटवर्ड्स इज स्ट्रॉन्गर द ओवरऑल पीपीसी वुड बी आउटवर्ड्स। आखिरी चीज बताएंगे इफ इक्वल इफेक्ट PPC would stay at the same position. आगे बात समझ में, इसको कर लें कॉपी। Okay, should I move on? Okay, एक थम्स अप आ गया, बाकी बच्चे बता दें। अरीबा अनम्यूट करके जरा तुम भी बताओ, जाग रही हो नहीं जाग रही? चलो थम्स अप आ गया। अहमद भाई, अहमद उस्मानी भाई जी सर, आपकी आपकी पिक्चर बड़ी डिप्रेसिंग बनी हुई है, आप डिप्रेस तो नहीं है भाई? नो सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई? तो दिस वुड बी अ मार्क्ड असाइनमेंट, बल्कि नहीं, आई वुड गिव यू अनदर मार्क्ड असाइनमेंट, जिस पे आई वुड मार्क योर असाइनमेंट्स। डू वी हैव अ गूगल क्लासरूम? नहीं सर, अभी तक तो शायद नहीं मिला, अभी नहीं हुआ हम लोग गूगल क्लासरूम पे। चलो सही है, तो मैं एक गूगल क्लासरूम बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अगर कॉलेज बनाता है तो दैट इज ओके, अगर नहीं बनाता तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बना लूंगा। एंड आई विल बी गिविंग यू अ मार्क्ड असाइनमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखे आप लोग, using a PPC explain if a country is about to go to war. The country produces weapons and consumer goods. Question number one, and this is question number two. In dono pe hum log sirf kya karenge? We are going to make the PPCs. Sahi hai?
दूसरा क्वेश्चन, यूजिंग पीपीसी एक्सप्लेन Using a PPC, explain the effects of war the country produces, weapons, and consumer goods. ये दो questions हैं. मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, गौर से सोच के समझ के आप लोग क्या करेंगे, इसके PPCs draw करेंगे. हो गया. डन. आप लोग जरा अगर हो जाए तो अनम्यूट करके बोला करें, ताकि रिएक्शंस देखने के लिए ना, आई हैव टू गो टू द पार्टिसिपेंट्स एंड सी द रिएक्शन. जवाब कर रहा हूं.
सर क्या वॉर सिचुएशन में मेरे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही है, मतलब क्या मैं बॉम्ब मार रहा हूँ इसमें? ऑब्वियसली जब वॉर होगी तो सामने वाले भी तो तुम्हें बॉम्ब करेंगे, सिर्फ तुम थोड़ी उनको मारोगे। ओके सर। Okay, your time's up now. Let's see. तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया है? तो मुझे बताएं जरा आप लोगों ने क्या किया पहले क्वेश्चन में। सर पहले पे वॉर पे जा रहे हैं तो वेपन हम ज्यादा बनाएंगे तो वेपन की वजह से आउटवर्ड जाएगा। वेपन की वजह से आउटवर्ड कैसे जाएगा, शिफ्ट कैसे होगा? वो होगा मूवमेंट, मूवमेंट होगा, मूवमेंट। जबरदस्त। आप इनिशियली आप पॉइंट एक्स पे होगे, आप वेपन्स बना रहे हो ऊपर ले कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो 20, क्या ले लेंगे भाई ऊपर? मतलब वेपन्स वाली साइड पे चले जाएंगे हम, वेपन्स ऊपर ले लोगे ऐसा? पॉइंट ऊपर आ जाएगा। पॉइंट वाई पे हम आ गए 12 एंड 10। अब इसमें क्या चीज प्रूव हो रही है? इसमें मूवमेंट शो हो रही है। मूवमेंट जहां पे भी शो होगी एक्सप्लेनेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, क्योंकि अब आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, रीएलोकेट। जो लोग पहले कंज्यूमर गुड्स बनाते थे उनको आप शिफ्ट कर रहे हो किस पे, वेपन्स पे शिफ्ट कर रहे हो। मेक सेंस? दूसरा जो क्वेश्चन है, अब वॉर हो गई है, यहाँ पे अभी वॉर होने वाली थी, पहले क्वेश्चन में वॉर होने वाली थी, दूसरे क्वेश्चन में वॉर हो गई है। जब वॉर हो गई है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगी। अब पीपीसी कहां पे क्या होगा, अंदर हो जाएगा, बैकवर्ड अंदर इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बीबी पे, सही है? तो इट वुड शिफ्ट इनवर्ड्स। व्हाई वुड इट शिफ्ट इनवर्ड्स? बिकॉज़ आपके पास लैंड और कैपिटल और ह्यूमन सब की क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ बॉम्बार्डमेंट, दे वुड बी किल्ड डिस्ट्रॉयड, लीडिंग टू अ लोअर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। सो व्हेनेवर यू राइट अबाउट द शिफ्ट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी का जिक्र करें कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या हुआ, बड़ी है या कम हुई है। आगे बात समझ में? तो अब शिफ्ट और मूवमेंट के कॉन्सेप्ट्स वाज़े हो गए कि भाई कब शिफ्ट होता है कब मूवमेंट होती है। एवरीवन, खासतौर पे जो बच्चे साइंस से आए हैं, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट व्हिच इज, चलो जरा देखते हैं कि तुम लोग पिक्शनरी पिक्शनरी में कितने अच्छी थे। पिक्शनरी खेलिए कभी, थोड़ा सा तुम्हें रिफ्रेश कर देते, पढ़ पढ़ के बेकार हो गए होंगे ना। तो आई एम मेकिंग समथिंग, टेल मी व्हाट एम आई मेकिंग। थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड भी होना चाहिए ना, हर वक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम लोगों का? तस्वीरें बना रहे हो, नहीं गलत होगा?
ये हमने बनाई पानी का पौधे। ओके ओके, पहले तो मैं ये बता दूं कि इट्स अ टू लेटर वर्ड, सही है ना, टू लेटर वर्ड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, एंड देन दिस इज द सेकंड। बताओ क्या है? बताओ क्या है? सर ये तो बॉटल है, बॉटल लग रही है, बच्चों की स्कूल की बोतल है, वाटर बॉटल। जबरदस्त, या तो मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ या तुम लोग बहुत नहीं नहीं अच्छी ड्राइंग करता हूँ। सही है, तो थोड़ा सा आप लोग हाँ सही थी सर, क्या हो अच्छा गया? अच्छा अब हाँ सही है, अब आप लोग में से कोई लास्ट, सही है, आप लोग में से कोई मुझे चैट पे बताया, मैं डिक्शनरी बनाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान गरीब क्यों है, वो भी पीपीसी से हम सीखेंगे, लेकिन पहले पिक्शनरी हो जाए मेरे ख्याल से। तो मुझे चैट पे बताओ तो उसकी हम देखते हैं, पिक्शनरी बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सनल चैट भेजना, सबके सामने भेजोगे तो गैस हो जाएगा। कोई भी नहीं आया है यार तुम लोग की तरफ से रिस्पॉन्स, लगता है तुम लोग सर खुद ही आगे। सोच लें आप। ओए ओए, ये तो बड़ा खतरनाक बता दिया तुमने, लेकिन मेरे अंदर का लियोनार्डो अभी जिंदा है। चलो एक एक बच्चे ने, सर मेरी स्क्रीन में कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मेरी स्क्रीन में कुछ आया नहीं अब तक, मुझे लगा आपने कुछ ड्रॉ करा है। चलो अबे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रुको मुझे आता है ये। तो ये तो बड़ा अजीब सा बन गया। समझ आ गया सर, ये वो लग रहा है, वो जो एक गेम होता है टेबल के नहीं ऊपर, नहीं उस देयर पे सामान रखे होते हैं। आर टू थिंग्स, व्हाट डज दिस लुक लाइक? तो बड़ा मुश्किल है यार। ओके ये बताइए क्या? ये है क्या? लाइट अच्छा हाउस, ये लाइट वो है। हाँ हाउस, और क्या है? और नीचे गेट सा क्यों बना दिया? वो रॉकेट का इट हेड, इज नॉट अ लाइट हाउस, इट इज नॉट अ लाइट हाउस। वेयर इज दिस मैन पर्सन स्टैंडिंग, वेयर इज दिस पर्सन स्टैंडिंग? समिट नहीं, और समिट होता तो यूं होता ना। सॉरी रूफटॉप, रूफ, रूफ होता तो घर होता ना। कराची में एक जगह भी है वो, चलो यार ये तो लंबी हो गया, ये आईफिल टावर था।
सर क्या कर दिया यार एफिल टावर को एक लाइन नहीं खैर नहीं तो तुम लोग टावर तक तो पहुंचते, तुम लोग टावर तक लाइट हाउस पहुंचते तो बोलकर। फिर अच्छा सही है। सर इससे खैर बेहतर किसी से रिलेटेड कुछ पूछना है वो ज्यादा बेहतर। अच्छा एफिल टावर की बताएं। चलो खैर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज व्हाई इज पाकिस्तान पुअर। सही है कॉन्सेप्ट तो बेसिकली है व्हाई आर डेवलपिंग कंट्रीज पुअर एंड प्रोग्रेस स्लोली। द क्वेश्चन इज दिस, में तो लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो इट्स गुड टू यू नो रिलेटेड टू अवर कंट्री सो दैट वी एनालाइज के वाई आर वी पुअर। तो जरा आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस दें, अपनी अपनी थॉट्स दें कि व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान इज पुअर। सर मैं बताऊं हाँ सर, सबसे पहले लेबर से अगर स्टार्ट करें तो स्किल्ड लेबर इतनी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ओके okay, और और वहाँ पर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है लाइक पूरे पाकिस्तान में हम लाइक स्मॉल सर परसेंटेज एजुकेशन मिलती है। सही है, और बाकी लोग भी बता सकते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज नो लॉन्गर अ वैलिड पॉइंट बिकॉज अगर मैं बात करूं कि जरदारी के दौर में भी 5 साल की हुकूमत हुई, नवाज शरीफ भी तकरीबन 5 साल की हुकूमत हुई, इमरान खान ही इज 3 years old इन द पार्लियामेंट्स एंड द सीट्स, सर इसकी भी लेकिन पांच साल वैसे की अगर हुकूमत। हम इस पे अगर हम डेवलपिंग पे देखें तो डेवलपिंग पे ये चल सकता है ओवरऑल। यार देखो अगर डेवलपिंग पे देखें ओवरऑल तो इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, मोदी 5 साल पूरे की अब वापसी आया है, सही है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज ओके, बट अगर तुम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, सही है। और दूसरे डेवलपिंग नेशंस भी इस चीज को ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है। पहले तो मुझे ये बताओ कि चाइना डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है? डेवलपिंग डेवलप्ड डेवलप नंबर नहीं, वन है, डेवलपिंग नई नहीं पॉपुलेशन आया, जैसे डेवलपिंग है। डेवलपिंग है, सही है। इट्स अ ओ डेवलपिंग कंट्री, सही है, इट्स अच्छा नॉट अ अच्छा डेवलप्ड कंट्री। तो खैर और पॉइंट ऑफ व्यू दें अपने डैम। अच्छा तुम तो जवाब दिया होगा तुमने उसका। खैर जी और रीजंस बताएं कि व्हाई इज पाकिस्तान पुअर। देर आर सेवरल रीजंस, आप लिख सकते हैं करप्शन एक्स वाई जेड, देर आर सेवरल रीजंस। लेकिन अगर हमें पीटीसी से देखना है तो हमें एक कॉन्सेप्ट है उस पर बात करनी है। एक तरफ हमने लिखा कंज्यूमर गुड्स, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। फॉर कंज्यूमर्स एग्जाम्पल सेलफोन हो गया कंज्यूम होता है, चॉकलेट्स हो गए कंज्यूम होती है, जितना भी फूड आइटम है वो कंज्यूम होता है, कपड़े हैं वो फुटने कंज्यूम होता है, सही है। तो ये हमारा पीपीसी हो गया ए। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या करता है, वो अपना ज्यादातर रिसोर्स कहाँ पे लगाता है, इन मेकिंग कंज्यूमर गुड्स। सो ही इज मेकिंग लेट्स से 100 कंज्यूमर गुड्स एट दिस पॉइंट एंड ही इज ओनली मेकिंग 10 कैपिटल गुड्स एट दिस पॉइंट, सही है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री पॉइंट एक्स पे होगी, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री या डेवलप्ड नेशन वुड बी एट पॉइंट वाई। सो दे विल बी मेकिंग 60 कंज्यूमर गुड्स एंड दे विल बी मेकिंग 50 कैपिटल गुड्स। तो अमेरिका वुड बी एट पॉइंट वाई, पाकिस्तान वुड बी एट पॉइंट एक्स। तो दोनों पॉइंट्स में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान वुड बी प्रोड्यूसिंग लेस कैपिटल गुड्स। सो डेवलपिंग कंट्रीज विल बी एट पॉइंट एक्स, लेस कैपिटल गुड्स, एंड डेवलप्ड कंट्रीज वुड बी एट पॉइंट वाई, मोर
कैपिटल गुड्स. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? अब अगर आप कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करोगे, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेस कैपिटल गुड्स, तो फ्यूचर फ्यूचर आपका क्या होगा? स्लोली इंप्रूव होगा. अब ये अमेरिका 50 मशीनें बना रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी? 50 मशीन से बढ़ जाएगी. पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितने से बढ़ेगी? 10 मशीन से बढ़ेगी. सो होगा ये कि पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन बहुत स्लोली, अमेरिका तरक्की करेगा बहुत तेजी से. दिस इज वन ऑफ द रीजंस आइडेंटिफाइड इन अ पीपीसी दैट व्हाई डेवलपिंग नेशंस डू नॉट ग्रो as quickly as a developed nation. Now you might ask a question, why does Pakistan not produce at point Y? Agar yahi masla hai to Pakistan point Y pe produce kar le. Point Y pe produce kar lega to ye masla to hal. America bhi 50 capital goods banayega, Pakistan bhi 50 capital goods banayega. Sahi hai na? बनते नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन पाकिस्तान वुड नीड एटलीस्ट 100 कंज्यूमर गुड्स. सही है, कोई भी डेवलपिंग नेशन है ना, उसको कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होती है. कितने कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होगी इस केस में? इस केस में पाकिस्तान को 50 कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होगी, 100 कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होगी. What I would want you people to do is copy this, और फिर मैं आपको एक concept लिखवाता हूँ, and then we'll have it and off. हो गया? मैं थम्स अप भेज रहा हूँ. हो गया सर, हो गया. कॉपी कर लिया? अच्छा. डन. हो गया सर. Perfect. सही. अब लिखें, developing countries need a minimum amount. Developing countries need a minimum amount of consumer goods. For survival, for survival of its survival of its country. This is known as consumer goods subsistence. Consumer goods
सबसिस्टेंस. देखें पाकिस्तान की आबादी है ज्यादा, तो पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा कंज्यूमर गुड्स चाहिए होंगे सर्वाइवल के लिए. अमेरिका की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है या किसी भी डेवलप्ड नेशन की आबादी इतनी ज्यादा नहीं हो, तो उनको कम कंज्यूमर गुड्स चाहिए होते हैं फॉर सर्वाइवल. तो हमारे मुल्क में कंज्यूमर गुड्स सब्सिस्टेंस इज वेरी हाई. वी नीड अ लॉट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. एज अ रिजल्ट वी कैन ओनली प्रोवाइड सम रिसोर्सेज फॉर कैपिटल गुड्स. हम गरीब हैं तो हम ज्यादा फोकस करेंगे खाना बनाने पे और उसको कंज्यूम करने पे रादर देन मशीन्स. वी वोंट केयर इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर मशीन्स बिकॉज अभी हमारे लिए असेंशियल है सर्वाइवल. अमेरिका के पास गुड्स एंड सर्विसेज इतनी जरूरत नहीं होती, इतने कंज्यूमर गुड्स की जरूरत नहीं होती. सो उनके पास जो रिसोर्सेज बच जाती है उनको वो कैपिटल गुड्स पे लगा देते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. हमारे मुल्क में ज्यादा कंज्यूमर गुड्स की तरफ फोकस किया जाता है बिकॉज हमारी आवाम को ज्यादा खाने की जरूरत है, हमारी आबादी भी ज्यादा है. अमेरिका के पास खाने के बाद काफी ज्यादा रिसोर्सेज बच जाते हैं जो कि वो कहां पे लगा देते हैं, टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स. नाउ इफ पाकिस्तान वॉन्ट्स टू बी रिच, इफ पाकिस्तान वॉन्ट्स टू बी डेवलप्ड, दे need to compromise. क्या compromise करेंगे? One jam today for more jams tomorrow. ये concept मुझे कौन समझा सकता है? अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो मैंने क्या बोला, दे नीड टू कॉम्प्रोमाइज. किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है? वन जैम टुडे फॉर मोर जैम्स टुमारो. इसका मतलब क्या है? अभी कम कंज्यूम कर लो ताकि बाद में देखें. अगर हम अगर हमारी आवाम कम कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम कैपेसिटी बाद में बेहतर हो जाएगी तो हम और बना पाएंगे. अगर अगर हम लोग जैम आज कम कंज्यूम करेंगे तो जैम्स कम कंज्यूम हुए मतलब कंज्यूमर गुड्स कम हमें बनाने पड़े. तो जब कंज्यूमर गुड्स हमने कम बनाए तो हमने क्या चीज ज्यादा बनाई? कैपिटल गुड. तो फ्यूचर में जब हमारे पास मशीन आ जाएगी तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर हम ज्यादा जैम्स बना सकेंगे और ज्यादा कैपिटल गुड्स भी बना सकेंगे. तो आज ये कड़वा घूंट पी लो ताकि फ्यूचर में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओ. आई बात समझ में? तो भाई हमने ये पढ़ा कि भाई पाकिस्तान गरीब क्यों है अकॉर्डिंग टू पीपीसी और हम क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स कंडीशन. अब आप खुद देख लें, आप लोग क्लास में 9-10 लोग हो, 9-10 के जितने भी वालिद साहब हैं जिनके बिजनेसेस हैं, आप लोग ऑब्जर्व कर लें आप लोगों के वालिद साहब के बिजनेसेस कंज्यूमर गुड्स हैं ना के कैपिटल गुड्स. क्या ऐसा ही है? ज्यादातर लोग जो पाकिस्तान में है उनका बिजनेस भी कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड है. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि वी टेंड टू स्टे पुअर फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कंट्रीज. हमारी कंट्री पुअर रहेगी. सही है? कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट? Done.